अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर चुनावी दंगल। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है मेवात के विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव ढोंड भोंड। यानी आपने ढोंड भोंड का नाम सुना होगा, लेकिन ये जो गाँव है ये भोंड गाँव है। यहाँ पर एक जिला परिषद का एक नया प्रत्याशी मैदान उतर चुका है और यहाँ की जो जनता है उन्होंने एक बार फिर मन बना लिया है कि ये वहाँ तब्दीली करना चाहते हैं दोबारा से। जिसको पहली बार बनाया था उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, इसलिए उससे दुखी होकर यहाँ की जनता जो है वो ये चाह रही है कि कोई नया प्रत्याशी मैदान में आए ताकि इस इलाके का विकास हो सके। वैसे भी ये जो गांव है बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, पहाड़ की वाल में बसा हुआ है, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि स्क्रीन पर आपको ये बुजुर्ग नजर आ रहा है, बड़ी सादगी है इनके चेहरे पर और ये वही पुराना लिबास है मेवात की, जो रीति रिवाज जो कल्चर है इनका। ये बेटा है आखिर एक जमींदार एक किसान के बेटे ने कैसे चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है, मैं जानने की कोशिश सबसे पहले उसी प्रत्याशी से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम खान जी। समीम भाई, आपके पिताजी एक किसान हैं, जमींदार हैं जी, बड़े सादा इंसान हैं। हाँ, आपको पढ़ाया लिखा आगे बढ़ाया और मैंने सुना है कि आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस गुरुग्राम के अंदर भी चल रहा है जी, जी। लेकिन आपने बिजनेस को साइड में रख करके चुनावी रण में कैसे उतरने का ऐलान कर दिया जी? क्या सोचकर आपने ऐलान किया? ऐसा है अरशद भाई साहब, मैंने तो ये मन बनाया था, लेकिन जो हमारा गाँव है जी, जो भी मेरा पहले से उठना बैठना रहा समाज के अंदर, वो मैंने इसी के मद्देनजर रखते हुए ये जैसे बना देते हैं पार्षद हुआ, एक मिसाल के तौर पर आपसे अगर हमने पैसे ले लिए तो उसका तो सौदाबाजी हो गया जी। ये जो पार्षद हुआ, ये ब्लॉक सम्मति हुई, ये खाली बिकने के लिए बनती है, विकास के लिए नहीं बनती जी। अब आप देख रहे हो ना बिजली ना पानी ना सड़क ना रास्ता कुछ भी। आप क्या भरोसा है? आप जब जीत जाएंगे तो आपको भी 20 लाख मिल जाएंगे जीतने के बाद में? आप नहीं बिकोगे जी, 1 करोड़ में भी नहीं बिकूंगा। अच्छा, जो मैं वादा कर रहा हूँ आप लिख के रख लेना। और ये जो आप किसी ने खरीद भी लिए आपको पैसे तो मिलेंगे, वो पैसा आप विकास में लगाएंगे या अपने जेब में रखेंगे? विकास में लगाऊंगा जी पूरा पैसा, एक पैसा नहीं लगाऊंगा जी, पैसे की कोई भूख नहीं है। दोस्तों, समीम अहमद का जो नजरिया है कहना को ये है कि जब प्रत्याशी जीत जाता है तो उसको 15-20-25-30 लाख तक भी पैसे मिलते हैं, जीतने के बाद में वो अच्छी कोटी अच्छी गाड़ी लेके घूमते हैं, 5 साल तक जनता के बीच में नहीं जाते हैं। लेकिन समीम का कहना यह है कि वो जीतने के बाद जो उन्हें जो राशि मिल भी अगर जाती है तो वो भी जनता के लिए विकास में खर्च कर देंगे। तो अच्छा, अभी आपने जब आप यहाँ से चुनाव जीत जाओगे तो किस तरीके से विकास करोगे या फिर ऐसे ही भूल जाओगे पहले वालों की तरह? इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। बाकी अगर मुझ पर विश्वास जताए जनता ने, अगले ही दिन धमाका ऐसा करूंगा, पूरे गांव को जैसे बुला के नहीं सब गांव का मशवरा लूंगा, उसके बाद में उनके ऊपर राय मशवरा से तय करी जाएगी। मन की भाई जो जरूरत है जी, मन की भाई जो इनकी जरूरत है भाई उसकी पूरी करी जाए। अगर हम बिक गए वो कर लिए तो फिर हमारी क्या अहमियत रहेगी जनता से? फिर तो वही काम कर दे हमने जैसे पहले उन्होंने करा था जी, जी, जी। तो ऐसा कलंक नहीं। जनता जनता तब्दील तो दोस्तों जनता भी तब्दीली लाना चाहती है हालात के मुताबिक, और ये युवा हैं इनकी सोच भी कुछ इसी तरीके से है, बदलती सोच है, नई उमंग है। इन्होंने जो बात बताई उससे निकलकर सामने सिर्फ ये आ रहा है कि वो जीतने के बाद में जनता का भरपूर विकास कराएंगे, जनता का दिल नहीं दुखाएंगे, जनता का दिल नहीं तोड़ेंगे, जो वादे करेंगे उन पर खरा उतरेंगे। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए आप जो आपके जो 20-25 जो गाँव लगते हैं क्या संदेश देना चाहते हो? एक बार जनता मुझे मौका दे दे जी तो मैं इतना काम कराऊंगा इंशाल्लाह, ये जनता याद करती रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों वो युवा हैं और जनता से एक अपील कर रहे चैनल के माध्यम से कि एक बार उन्हें अगर जनता मौका देती है तो वो इतना काम करना चाहते हैं कि एक इतिहास रचना चाहते हैं वार्ड नंबर 15 में। तो इसके बाद एक और युवा मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम आपका? मोहम्मद एजाज। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में, कैसे जनता का रेस्पॉन्स मिल रहा है? एजाज जी, हमें इस पर भरोसा है जी, जो लोग पहले से ही लोगों में बैठते हैं उठते हैं जी, और कुछ छोटा मोटा काम भी करवा देते हैं जी, तो उस पर भरोसा है और हमें इस पर भरोसा है पक्का, इंशाल्लाह 100% जीतेगा। जमालुद्दीन जुड़ चुके हैं, जमालुद्दीन से भी मैं जानना चाहूंगा आखिर जो शमीम है उनको किस तरीके का रेस्पॉन्स जनता का मिल रहा है? आप तो सोशल वर्कर हैं और आप लगातार जनता का काम करते रहते हैं, है ना, भलाई का काम करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जीत जाएंगे? जनाब बिल्कुल, लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो शमीम खान की तरफ है, क्योंकि इनकी एक आदत रही है समाज के बीच में रहना और उन लोगों का सहयोग करना, गरीबी के साथ रहना, जो लोगों का जैसे विकास कार्य है छोटे मोटे, किसी का कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का बिल बिजली का बिल आ रहा है वो बिल
पीछे से चढ़ाई नहीं है, मीटर लगाई नहीं है और बिल ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे कामों को ये रोजमर्रा की जिंदगी में करते रहे हैं। आज निर्णय लिया है यहाँ की जनता ने, 15 वार्ड की ने, कि शमीम खान को हम मैदान में लाना चाहते हैं। तो उसके बाद पूरे गांव ने हमारा एक मन समझौता किया, तो इसको मैदान में समर्थन मिल गया जी। तो इस बार लगता है आपको कि इंशाल्लाह आप चुनाव जीत जाओगे? पक्का जनाब, ये चुनाव जीतेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं खुद इसके साथ घूमा हूँ 15-25 गाँवों के अंदर, कुछ लोगों के हालात देखे हैं। बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जिनके लिए आज भी पीने के लिए पानी नहीं है, तो शमीम अहमद ने वो दिल में तय किया है, मैं अपनी तरफ से भी ये पैसे खर्च करके इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहता हूँ। इतना बिल्कुल मन में लिया है फैसला, कम्युनिटी के बीच में रहेगा, उन लोगों का जो विकास कार्य है उनको ये कराएगा। पैसे की इसको कोई परवाह नहीं, इसका साइड बिजनेस गुड़गांव में है, इसके लिए 8-10-20 जो लाख मिलेंगे प्लस इतने और करके ये समाज के ऊपर खर्च करने वाला आदमी है। तो ये थे मेरे सामने भौंड गांव से और वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी भाई शमीम खान, जिन्होंने ये उम्मीद लगाई जनता से कि जनता उन्हें भरपूर समर्थन दे रही है और भारी बहुमत से उन्हें इस बार विजय मिलने वाली है। और जो जनता है वो भी चाह रही है कि शमीम कहीं ना कहीं यहाँ से जिला परिषद बनता है तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी और जो छोटे मोटे विकास कार्य वो यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर आ जाएंगे ऐसे ताज़ा अपडेट, तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।